हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बिहार सॉल्यूशन। आज हमारे पास आए हैं अहमदाबाद से मिस्टर कुमार हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं। अहमदाबाद में फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं और उनको खुद को बालों की प्रॉब्लम थी। मैंने उनसे कहा कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तभी आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे आप बताएंगे मिस्टर कुमार, प्लीज़ सर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार अहमदाबाद से हूँ। प्रॉपर एयरपोर्ट के पास में सरदार नगर एरिया में मेरी शॉप है। पहले तो नॉर्मली हेयर कटिंग की शॉप है, पर अभी सोचा कि भाई कुछ कनेक्टिविटी हो। अभी खुद आया हूँ प्रॉपर मुंबई उल्लासनगर के अंदर, इनके यहाँ बैठा हूँ। अभी मैं अहमदाबाद में बैठा ही था, यूट्यूब में जब सर्च किया तो मुंबई में उल्लासनगर के अंदर डीजे जॉन सर का वीडियो देखा। क्या सर्च कर रहे थे? हेयर पैच का सर्च किया तो उसमें देखा कि उल्लासनगर के अंदर डीजे जॉन सर का है हेयर पैच का, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा सोशल वर्किंग भी किया हुआ है। काफ़ी पुअर लोगों को भी हेयर पैच फ्री में करके दिया हुआ है। तो बैठे बैठे सोचा मैं एक बार रूबरू फेस टू फेस जाके मिलूँ, जाके इनका काम देखूँ, क्योंकि मुझे पहली नज़र में बिलीव नहीं हुआ था, पर आने के बाद पता चला कि हाँ है कुछ। अब है प्लानिंग कि भाई इन फ्यूचर अभी इनके साथ ज्वाइन होके इनकी फ्रेंचाइजी लेके अहमदाबाद में खुद का ही चालू कर दें। आप सर हमारे पास आए, हमने आपसे कुछ पैसों की बात की, हमने आपको डायरेक्ट चेयर पे बिठाया। हाँ जी, काम स्टार्ट किया। हाँ जी, पैसों के बारे में आप कितना देंगे क्या नहीं, कोई जो सर देंगे हम ले लेंगे। हमारा पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा जो मकसद है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देना। बराबर आ रहे हो ऑल ओवर इंडिया से कहीं पर भी, अगर आप एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन के पास में हो, सदा नगर एरिया में हमारी शॉप है, जहाँ पे हेयर पैचेस अभी न्यू चालू करने का सोचा मैंने। मैं अहमदाबाद से खास सबसे पहले खुद का हेयर पैच करवाने आया हूँ, रिजल्ट देखूँ क्या है कैसे है, बिफ़ोर और आफ्टर का आप भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं खुद सोच रहा हूँ अभी वहाँ पर हेयर पैचेस का चालू करने का अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद में अगर आप आते हो, घूमने के हिसाब से भी आते हो, लाइक पतंग होटल हो गया, रिवर फ्रंट हो गया, महात्मा गांधी मंदिर हो गया, अक्षरधाम वगैरह हो गया, और इस बीच में अगर आपको लगता है कि मुझे हेयर पैचेस की भी ज़रूरत है, मैं आया ही हूँ, कहीं और जाने से बेटर है कि अगर जैसे मैं भी मुंबई खास, मैं तो खास इनसे मिलने आया था, मुझे ये करवाना था। यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखी थी तो मैंने बोला एक बार रूबरू फेस टू फेस जाके देखूँ। अहमदाबाद में है, नो डाउट अहमदाबाद में भी है, पर अहमदाबाद वर्क से मुझे मुंबई का वर्क थोड़ा बेटर लगा। मुझे यही प्लानिंग था कि भाई इन फ्यूचर मैं इनके साथ कुछ जॉइंट अप करके खुद का बिजनेस अहमदाबाद में चालू कर लूँ। तो इस हिसाब से मैंने बोला भाई एक बार आप रूबरू जाओ, पहले आप खुद के ऊपर करो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर आपने खुद के ऊपर कुछ किया नहीं, आप दूसरे कस्टमर को अगर आप फोर्स करोगे या गाइड करोगे कि सर आप मेरे पास आओ, तो उनको भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक बार आपने खुद को ट्राई करके देख लिया, आपको रिजल्ट मिल रहा है। हमने खुद अपने ऊपर 20 साल से ट्रायल किया है। हाँ। तब जाके अभी हम कस्टमर के ऊपर जो है हम लोग परफेक्टली कर पाते हैं। तो जब तक आप खुद पे नहीं कराओगे तो आप उसको आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट अगर आप चालू करोगे, वो नहीं आएगा। विदाउट एक्सपेरिमेंट अगर मैं कुछ चालू करने की सोचूं तो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ क्लाइंट भी मेरे जो आएंगे वो भी अनसेटिस्फाई होंगे। एक बार खुद के ऊपर ट्रायल करके देखा, पता चला हाँ भाई ये रिजल्ट आ रहे हैं। इतनी दूर से अगर अहमदाबाद से मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ 550-600 किलोमीटर, तो कुछ सोच के ही आया हूँ। अब यही देख रहे हैं जैसे बिफोर और आफ्टर आप देख पाओगे इस वीडियो में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आगे इन फ्यूचर अगर आप अहमदाबाद, सलमान खान का लुक चाहिए तेरे नाम का। हाँ जी, तेरे नाम का लुक हम आज लाने वाले हैं। ओके, और देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। हाँ जी, ओके। फ्यूचर मुझे थोड़ा है, कंफर्मेशन हो रही है थोड़ी थोड़ी, रिजल्ट देखने के बाद मैं कंफर्म आपको बता सकता हूँ। अहमदाबाद में मैं हेयर पैचेस का खुद का चालू करने के लिए सोच रहा हूँ। खुद का मीन रहेगा जॉइंट अप इनके साथ ही। हाँ, रहेगा सर के साथ ही जॉइंट जॉइंट रहेगा। हाँ जी, तो अगर मुझे वहाँ पे अगर नाम भी अगर एक बार चेंज करना पड़ गया तो मैं इनके नाम के हिसाब से ही चालू कर दूँगा, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिग बी हेयर सॉल्यूशन के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, उसी नाम से एक्चुअली मेरा है अभी चालू, पर अगर आपके नाम से चालू करूँगा तो मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट और ज़्यादा मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। उसका जो बेनिफिट होता है वो अलग ही रहेगा। जो फर्स्ट लुक आ गया है, कुमार सर का फर्स्ट लुक आया है, आइए जानते हैं कि कैसा
रिएक्शन है, उनको क्या फील हो रहा है बताइए। कुमार सर, आप कैसा फील कर रहे हैं और पहले क्या फील करते थे, अभी क्या फील कर रहे हैं? पहले और अब में बहुत फ़र्क है। जो पहले थे वो थे, तब फील होता था थोड़ा बहुत कि किसी से बात कैसे करे, किसी के सामने कैसे जाए, पर अब है कि इम्प्रूवमेंट भी हो गया और यहाँ आने के बाद सेटिस्फेक्शन भी मिला है। और ये मेरा फर्स्ट लुक है, दिस इज़ माई फर्स्ट लुक, दिस इज़ नॉट अ कन्फर्म लुक फ्रॉम माय साइड। काम का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है सर कि डीजे जॉनी से काम करा है उसका ज़्यादा? नहीं सर, डीजे जॉनी से काम करवाया उसका सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसों से बेहतर रिलेशन पे मेंटेन होता है। पैसे देके मैं कहीं पे भी काम करवा सकता था, नो डाउट। पर अगर अहमदाबाद से अगर मैं मुंबई उल्लासनगर आया हूँ, सूरत में डन किया था वहाँ पे, हाँ सूरत में डन किया हुआ था मेरा एक्चुअली, लास्ट मोमेंट में इन्होंने सोचा कि नहीं मैं डीजे जॉनी से, हाँ जी, तो यहाँ तक इतना दूर ट्रैवल करके आए, 500-700 किलोमीटर ट्रैवलिंग होता है, हाँ जी 550-600 किलोमीटर में आए हैं और 2-3 दिन का टाइम दिया इन्होंने और इस लुक के लिए खास अहमदाबाद से यहाँ तक आए। सर वहाँ से यहाँ पे आने का आपका जो पैसा वसूल हुआ? हाँ जी वसूल हुआ, पैसा वसूल हुआ इनका, पैसा वसूल हुआ और सेटिस्फेक्शन मिला। और एक क्या है, अभी अगर मुझे हर महीने भी अगर यहाँ आना पड़ रहा है हर मंथली, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं खुद अपना ब्रांच सोच रहा हूँ वहाँ पे चालू करने का अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत सारे हैं जो राजस्थान से आते हैं जिनके लिए बहुत ऑकवर्ड पड़ जाता है मुंबई ट्रैवल करना। अहमदाबाद से राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, हमारे भी क्लाइंट्स हैं राजस्थान में। अभी कल की बात है, राजस्थान से एक कॉल आया, 3 दिन के बाद एक कस्टमर राजस्थान से यहाँ आने वाला है। हाँ सर, मैं उसका भी वीडियो लूँगा, आपको सब बताऊँगा। लेकिन अगर हमारे अहमदाबाद ब्रांच ओपन होती, हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि उस क्लाइंट को काफ़ी सुविधा, हाँ काफ़ी सुविधा होती थी। हालांकि मुंबई भी रह चुका हूँ, एट प्रेजेंट अहमदाबाद रह रहा हूँ। सोचा था कि सूरत में करवा लूँ, पर सूरत के बजाय मुंबई ट्रैवल करके इतना दूर आया, सिर्फ इनकी वीडियोस देखी तो कुछ लगा कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ बात है। अब यहाँ आने के बाद जो इनका नेचर देखा, जो रिस्पेक्ट देखी कस्टमर की तरफ, और एक डिस्कशन नहीं है, और काम जो बोलते हैं मेन, आप अगर आप ले लोगे तो काम होता है, जो काम की जो इनकी क्वालिटी है, काम जो इधर वो बोलता है, हाँ वो काम की क्वालिटी है। तो उस हिसाब से मुझे भी इंस्पायर हुआ है कि अगर किसी को इन फ्यूचर हेयर पैच करवाना है, अगर आप मुंबई में हो तो सबसे पहले इनके पास आइए। मैं खुद अभी सोच रहा हूँ इनसे इंस्पायर होके अहमदाबाद में काम चालू करने का हेयर पैच का, और अगर चालू करूँगा तो इन्हीं के नाम से करने वाला हूँ। अगर ब्रांच का रीनेम मुझे करना पड़ेगा तो वो चलेगा, पर इन्हीं के नाम से मुझे चालू करना है, अगर मैं इनके साथ टाई अप करके एट ए टाइम चालू करता भी हूँ। क्योंकि आते हैं इनके पास फॉलोअप आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, अहमदाबाद से भी आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, पर अगर मैं अगर वहाँ चालू कर रहा हूँ तो अहमदाबाद में जो लोग रह रहे हैं, सेटेलाइट हो गया, मसलापुर हो गया, विजलपुर हो गया, या नरोड़ा नरपाटिया हो गया, तो उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। जैसे आपके पास राजस्थान से अगर आप कोई आ रहे हो, तो अगर आप अहमदाबाद ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, काम वही मिलेगा, काम तो वही मिलेगा, क्वालिटी वही मिलेगी, जो टेक्निक, हाँ टेक्निक भी वही मिलेगी, रिस्पेक्ट भी वही मिलेगी आपको। पर यही है कि जो काम जो सर करते हैं वो मुझे थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इनसे। जी सर, हम लोग सीनियर सिटीजन को यहाँ पे फ्री में पैसे देते हैं, क्या आप भी वैसा करेंगे वहाँ पे? सर मैं ट्राई करूँगा, मैं आपके बात को अगर मैं अज्यूम कर लूँ वो मैटर नहीं रहता है, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं अभी न्यू अगर चालू कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी कि आप ट्राई करेंगे, हाँ डायरेक्टली ना नहीं बोला, आप ट्राई नहीं, ना नहीं, ना सर ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप सोशल में, अगर सोशल मीडिया में अगर आप हो, अगर आप कोई भी सोशल वर्क करने की सोचते हो तो मालिक बैठा है हर किसी को सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी हमने फ्री में पैच किए हैं, जो पैसा नहीं भर पाते हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनको फीस भरने का पैसा नहीं, पैच का पैसा कहाँ, सही बात है सर, उन स्टूडेंट्स को भी हमने पैच लगा के दिया, आज तक पैसा मिला नहीं है। हमने उनको कहा है कि आप जब कमाओगे तब दे देना सर, वो एक काम हमने किया है, एक है वो अच्छी बात है, अगर आपने अगर उनको यूँ बोला है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप कर रहे हो जैसे मैं आया, मुझे आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करना पड़ा, पैसे की पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, लोगों के चेहरे पे खुशी देखना हमारा, हाँ वो खुशी मिलती तो है, हम जो आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते थे वो हमको दिख रही है, तो मुझे आपके चेहरे पे खुशी देख के वो खुशी हुई, उसका महत्व है, पैसे का कोई महत्व नहीं है। तो आप इतने लंबे से हमारे पास आए सर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा।
और मैं कामना करूंगा कि आप हमारे साथ ज्वाइंट हो और एक अच्छा ग्रुप बने और अच्छे अच्छे लोग ज्वाइंट होते जाएं और अच्छा कार्य जो है आगे बढ़ता रहे। नहीं बढ़ेगा सर, एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से प्लानिंग थी। एक्चुअली मैं एयरपोर्ट पे तो हुई हूँ जी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तो मैं रहता ही हूँ जी। है हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो राजस्थान, उदयपुर, चेन्नई, नेपाल, यहाँ सबसे आते हैं। काफ़ी ट्रैवल करते हैं आप। हाँ जी हाँ जी, तो उस हिसाब से आपके कॉन्टैक्ट भी बढ़े रहेंगे। कॉन्टैक्ट भी है और एक बार अगर स्टार्ट कर दे तो वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है, तो आपके पास काफ़ी लोग आएंगे। मैं अब जैसे मुझे अगर आप सोच लो, मुझे अहमदाबाद शहर से 550-600 किलोमीटर की रनिंग होती है, मुझे अहमदाबाद से मैं यहाँ आया जी सिर्फ इनसे मिलने के लिए और उनके पास पैसे लगवाने के लिए। अगर इनका अगर कोई ब्रांच अहमदाबाद में होता तो शायद मैं वहाँ भी सेटअप करने की सोचता, क्योंकि एक बार आप आओगे मुंबई, दो बार आओगे, पर एक बार आप सेटअप कर लोगे अहमदाबाद के अंदर तो इनके फॉलोअप मुझे वहाँ मिलने वाले हैं। 100% इन्हीं के फॉलोअप मुझे, इनके क्लाइंट्स हैं जो इनसे करवाना चाहते हैं, वो तो नेचुरल थिंग है। अगर आप इनसे करवाना चाहते हो तो आप इधर ही आओगे। सर हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने जैसा पहले भी बताया कि प्रकाश भाई हमसे ज्वाइंट होने वाले थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ किसी और को फ्रेंचाइजी दूँ। तो आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी जो नहीं सर वो प्रकाश भाई, एक्चुअली सर क्या है प्रकाश भाई आपके साथ मुझे नहीं पता वो कौन है, पर वो ज्वाइंट होने वाले थे पर हुए नहीं जी। सर उनका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? अगर आपको ज्वाइंट होना है किसी चीज़ में तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि मुझे होना है। प्रकाश भाई काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ठीक है कोई बात नहीं, जो आवे वो पावे। तो आप पहले आ गए, हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बिग बी हेयर सॉल्यूशन, कम दाम अच्छा काम। ओके।